वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग का लास्ट डे है सिंगापुर पे, तो हम लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आ गए। हम लोगों ने सुबह 10:30 बजे होटल से चेकआउट कर लिया था। वहाँ से हम लोग ट्रेन से आए, बट हम लोग का बैलेंस $2 था, बट फिर भी वो ट्रेन का जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो हम लोगों ने अनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा था, तो हम लोगों ने डेबिट कार्ड यूज किया। बहुत बुरा लगा। अभी पता नहीं कितना मार्कअप फीस लगेगा उसके ऊपर। हम लोगों ने बैग भी चेक इन कर डाला है, जो बोर्डिंग टाइम है उसके 6 घंटे पहले तक आप बैग ड्रॉप कर सकते हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा प्रोसेस कर लिया, और यहाँ पे पूरा ऑटोमेटेड है। आपको कियोस्क से सारा वो प्रिंट करके देते हैं, बोर्डिंग पास, बैग का जो टैग्स है, वो सारी चीजें। तो अभी टाइम है चंगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने का। हाँ। तो चलिए चंगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में आपको सिंगापुर एयरलाइंस का भी पूरा रिव्यू देंगे इकोनॉमी क्लास का। तो यहाँ पे ऐसे उन्होंने स्क्रीन्स रखे हुए है जहाँ पे आपको अपना फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और रात के 12 बजे तक के सारे फ्लाइट्स का उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाला है, और उसके साथ कौन से रो में आपको बैग ड्रॉप करना है वो भी उन्होंने बताया है। तो ऐसे टोटल 11 रोज है, हमने हमारा बैग ड्रॉप किया 3rd रो पे। एयरपोर्ट का मॉल ज़्यादा लग रहा है। हाँ, और ये ज्यूएल का ड्यूटी फ्री है, हर एक टर्मिनल में अलग अलग ड्यूटी फ्री है। मॉल ही है ये बड़ा, सिर्फ उसके अंदर उन्होंने एयरपोर्ट शुरू कर दिया। हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं शेक शैक बर्गर। थैंक यू। हमने ये जो एक्सपेंसिव बॉटल मॉल में से लिया था वो अभी तक हम लोग कैरी कर रहे हैं पानी भर भर के। और एयरपोर्ट में भी यही यूज़ करेंगे। तो हम लोग ने 2 चिकन शैक लिए, एक फ्राइज लिया, मैंने गलती किया, चीज़ वाला लेना था ना, मैंने सादा वाला ले लिया, सॉरी, चॉकलेट शेक। और यहाँ पे ना वेज बर्गर भी मिलता है, मैंने लास्ट टाइम खाया था, बट उसमें एग होता है, मतलब एकदम कम्प्लीटली वेजिटेरियन यहाँ पे बर्गर नहीं मिलता शेक शैक में। एकदम नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर है, अनबिलीवेबल है। सो यहाँ पे लिखा भी है कि ये टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है, और ये 40 मीटर्स आए वो नीचे बेसमेंट तक जाता है, और कभी कभी अगर सनलाइट अच्छे से रहेगा तो कोई लकी रहेगा तो उसको यहाँ पे रेनबो भी दिखता है। ये जो रेन वॉर्टिक्स या फिर वाटरफॉल है, इसे आप फ्री में भी देख सकते हो। डिफरेंट व्यूइंग पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं एवरी लेवल पे, बट अगर आपको ब्रिज के ऊपर जाना है, कैनोपी ब्रिज के यहाँ पे, तो उसके लिए आपको टिकट बाय करना पड़ेगा। और इसका जो टाइमिंग है वो मंडे टू थर्सडे 11 AM to 10 PM है, और फ्राइडे टू संडे यानी कि वीकेंड्स पे है 10 AM to 10 PM, और एवरी इवनिंग को यहाँ पर 7:30 के बाद से लाइट शो भी होता है। देखिए यहाँ से वो स्काई ट्रेन जा रहा है। सो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं कैनोपी ब्रिज, तो उसका टिकट जो है वो मैंने गेट योर गाइड से बाय किया था। फिजिकल जो टिकट है वो आपको चंगी लाउंज जो सेक्शन है उसके साइड में और एक सेक्शन है, वहाँ से आपको मिल जाता है। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, अगर आपको भी ये कैनोपी ब्रिज अगर ट्राई करना है या फिर उधर जाना है तो। और ये जो कैनोपी ब्रिज है उसके साथ कुछ और चीज़ें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है, जैसे कि कैनोपी पार्क, डिस्कवरी स्लाइड्स, पेटल गार्डन और टोपियरी वॉक, तो ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हम लोग अभी उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये ट्रेन से भी व्यू सही रहेगा ना, पूरा ऐसा ग्लास ब्रिज है, इसके लिए यहाँ पे आपका लगेज लाना अलाउड नहीं है, तो हमने लगेज वहाँ पे एंट्रेंस पे ही रखा है, और उन्होंने बोला कि सिंस लगेज वहाँ पे रखा है तो आप 25 मिनट्स यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, और फिर वापस वहाँ पे जाके आप लगेज कलेक्ट कर सकते हो। हम लोग नीचे भी रख सकते थे लगेज जहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया, बट वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे रखा नहीं। बट ये बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ से आपको पूरा ऐसा वेंटेज पॉइंट मिलता है। और ये लेवल 5th पे है ज्यूएल के, यहाँ से आपको ऊपर से रेन वॉर्टेक्स का व्यू देखने मिलता है। बट लेवल 5th पे आने का फायदा है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो भीड़ ज़्यादा नहीं है, आप आराम से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपको ऊपर से ट्रेन जाते हुए भी दिखता है, जैसे अभी ये जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है। इसका जो एंट्री फीस है वो 750 है, अगेन हमने ये गेट योर गाइड से बुक किया था टिकट। वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स है, और यहाँ से आई गेस उन्होंने पानी छोड़ा है। और यहाँ पे ना टोटल उन्होंने 900 ट्रीज प्लांट किए, सोचो आप। वाह, मस्त ना एकदम, कितना इसके लिए एकदम ग्रीन लग रहा है ना।
सो अभी मिस्ट आना शुरू हो गया है, वाटरफॉल बंद हो गया है, अभी पूरा वो मिस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी टिकट काउंटर है, अगर आपको यहाँ से सीधा टिकट बाय करना है तो। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ खाना है तो आप खा भी सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं कैनोपी पार्क की तरफ। ये भी अपने इसमें इंक्लूडेड है, टोपियरी वॉक, देखते क्या है। एक्चुअल फ्लावर्स में से बनाया है उन्होंने। दिस इज क्यूटेस्ट, क्योंकि एलिफेंट को पूरा फ्लावर से डेकोरेट किया है, वो भी पर्पल कलर से, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। प्लस इसके ट्रंक में से पानी भी आ रहा है। स्लाइड करने जा रही है ना? हाँ। हाइट चेक कर ले एक बार, 110 सेंटीमीटर से ऊपर है क्या? आ जाए आपको बहुत ज़्यादा ऊपर, ऑलमोस्ट है। जा क्या बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं ना सारी चीजें। बच्चे मतलब पूरा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा फन सिटी फन पार्क ही है एकदम पूरा। हाँ। मस्त एकदम। और एक्चुअल में सिंगापुर पूरा बच्चों के लिए, पूरा बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बेस्ट है सिंगापुर। अभी हम बैठे हैं डिस्कवरी स्लाइड से थोड़ा ही आगे, फॉगी बोल करके है, जहाँ पे उन्होंने ऐसे बोल जैसा क्रिएट किया है, जहाँ से कुछ कुछ इंटरवल में ऐसे फॉग आता है। तो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं फॉग देखने मिलता है कि नहीं आएगा। तो ये फॉग आ गया है, कुछ नहीं बस नॉर्मल फॉग है, बच्चे लोग वहाँ पे है और किंजल भी वहीं पे है। आपको दिख रही कि नहीं पता नहीं, मैं देख रही थी बाउंसिंग नेट का टिकट कितना है, बट $20 है, तो इतना नहीं डालने वाली मैं पैसा। 1200 रुपये होता है। हाँ ये है बाउंसिंग नेट, पूरा उधर तक जाता है। इंक्लूडेड है, बच्चे मस्त मजा कर रहे हैं। हाँ ऊपर वहाँ पे लोग बाउंस कर रहे हैं, एडल्ट्स भी है। हम लोगों ने जो 750 रुपीज़ वाला जो टिकट लिया था, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी, जैसे नेट वगैरह था, बाउंसिंग नेट, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी। बट ओवरऑल मुझे लगा वर्थ इट है, 750 में काफ़ी कुछ देखने मिल जाता है। हाँ, और भीड़ भी थोड़ी कम मिलती है कंपैरेटिवली। Yes. बाकी लेवल्स पे क्योंकि फ्री में है ना। हाँ. तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये पूरा फॉरेस्ट है, हम लोग वहाँ पे थे, वो जो ग्लास ब्रिज है वहाँ पे, कैनोपी ब्रिज, और ये पूरा फॉरेस्ट है जो किंजल तू बोल रही थी ना, 900 कुछ ट्रीज प्लांट किए, वो यही है सारा। हाँ, इसको कुछ उन्होंने नाम भी दिया शिशिदो वैली। अभी हम लोग B2 लेवल पे आए, मतलब बेसमेंट वाले लेवल पे, तो यहाँ पे जो ये रेन वोर्टेक्स है उसको ग्लास लगा दिया है, तो काफी डिफरेंट लग रहा है ये, एकदम डिफरेंट ग्लो कर रहा है ऐसा लग रहा है। जुएल से कोई भी टर्मिनल जाने के लिए उन्होंने एक लिंक ब्रिज बनाया है, तो वो बेसिकली लेवल 3 पे आता है। तो अभी हम लोग लिफ्ट से लेवल 3 पे आ चुके हैं और अभी ब्रिज से जाएंगे टर्मिनल 3 की तरफ। सो गाइस ये व्यूइंग मॉल है, यहाँ से आपको टेक ऑफ और लैंडिंग दिखता है प्लेन्स का, बट काफ़ी डिस्टेंस पे है, मतलब बीच में काफ़ी सारे विंडोज है, तो ऐसा क्लियर व्यू नहीं है। हाँ। तो अगर आपको आना है तो आओ, बट मेरे को तो लगता है यहाँ पे काफ़ी शांत जगह है, तो काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पे सोए हैं। और आप काफ़ी टाइम के लिए एयरपोर्ट पे हो, और आपको अगर कोई ऐसा होटल वगैरह बुक नहीं करना है यहाँ पे एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे आ सकते हो, आप सो सकते हो आराम से। सो गाइज यहाँ पे डिपार्चर एरिया में ना GST रिफंड के कियोस्क है, सिंगापुर में भी GST टैक्स एप्लीकेबल होता है। आपने जो भी परचेस किया है वो आपको बाहर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, वो लोग इंस्पेक्ट करते हैं, फिर अगर उसका अप्रूवल वो लोग देते हैं तो उसके बाद ही वो रिफंड करते हैं। और रिफंड के 3 तरीके हैं, कार्ड का जो डिटेल आपने दिया है उसमें ले सकते हो, तो उसके लिए 10 डेज लगता है आने के लिए, या फिर आप कैश में ले सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ तो एक गूगल पे कैसा है वैसा ही एक यहाँ पे भी है, तो उसमें आप ले सकते हो। मिनिमम $100 का किसी एक शॉप से लेना होता है GST रिफंड के लिए, उसके नीचे अगर आपने शॉपिंग किया है तो आप उसका GST रिफंड नहीं अप्लाई कर सकते। और कई सारे शॉप्स ऐसे हैं जो GST अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब उनका GST फ्री होता है। तो जैसे हमने बुगी स्ट्रीट से शॉपिंग की थी, बट वहाँ पे हम लोग को GST उन्होंने चार्ज ही नहीं किया, तो इसलिए हम उसका रिफंड नहीं ले सकते। यहाँ
यहाँ से ना एयरपोर्ट से फ्री सिंगापुर टूर भी ऑपरेट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली आई थिंक आपको मरलाइन पार्क वगैरह वो सारी चीज़ें दिखा देंगे, मेन चीज़ें यहाँ पे सब सीट्स के। यहाँ पे उन्होंने अच्छा किया है कि सॉकेट्स दिए, तो आपको कुछ चार्ज भी करना है तो आप कर सकते हो। आपको अगर ज्वेल और ये सारी चीज़ें देखनी है तो आपके पास लगभग 3 से 4 घंटे होने चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर तक है। और इसके अलावा मतलब ज्वेल के अलावा फ्री में आपको चीज़ें देखनी है तो बटरफ्लाई गार्डन है, कैक्टस गार्डन है, फिर काइनेटिक रेन है जो कि टर्मिनल 1 और 2 में आता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं हमने हमारे मुंबई टू बाली वाले वीडियो में दिखाई है, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया तो उसका लिंक मैं आई बटन में हम लोग डाल देंगे, तो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अपन 3 लेन वाले फ्लाइट में जा रहे हैं। हेलो, कैसा लग रहा है अपन मिडल में बैठ के? ठीक है, मेकअप विंडो में बैठता हूँ, वैसे भी यही विंडो में बैठती है तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने कुशन भी दिया है, क्योंकि विस्तारा में कुशन नहीं था तो नेक बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, और बैक भी। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लैंकेट दिया है, बोर्ड करते टाइम उन्होंने ये ईयरफोन दिया है। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए है, और यहाँ पे अगर आपको हेल्प के लिए बुलाना होगा तो उसके लिए है। लाइट्स है और ये स्क्रीन है। आई एम होपिंग कि ये वाली सीट में कोई भी नहीं है। मुझे ना फ्लाइट में ये देखना बहुत पसंद है, एयर शो। सो मील हमारे फ्लाइट टिकट में इंक्लूडेड था, और मैंने लिया है वेजिटेरियन मील। 3 टाइप के ऑप्शन थे, एक चिकन मील, एक फिश मील और तीसरा वेजिटेरियन। सो देखते क्या क्या है ना। सो मेरे मील में है पुलाव, पनीर का सब्ज़ी, दाल, उसके साथ ब्रेड है, उन्होंने कटलरी दिया है, स्टील का कटलरी दिया है, बटर सॉल्टेड, टिश्यू पेपर दिया है उन्होंने, एक एक्स्ट्रा बोल दिया है और पानी। तो गाइज हमने मुंबई लैंड कर दिया है, और हमारा सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे लगता था कि एमिरेट सबसे बेस्ट है अब तक का, बट सिंगापुर एयरलाइंस इक्वली गुड है और कई कई चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा बेटर है। सो गाइज ये था हम लोग का सिंगापुर का ट्रिप, और हम लोगों ने ऑल द वे यहाँ पे आने तक का भी पूरा जर्नी रिकॉर्ड किया। तो आपको अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में हम लोग को पूछ सकते हो। और अगर आपको ये पूरा सीरीज अच्छा लगा रहेगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Bye, Wonders.